बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सब ने देखा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जिस तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ करने के बाद, मीडिया को गालियां देने के बाद, कौम को हिजानी कैफियत में मुबला करने के बाद, पार्लिमानी तारीख में अपना नाम एक सियाह बाप में रकम करने के बाद जिस तरीके से अलविदा हुए, वो सब ने देखा। असद कैसर एक ऐसे शख्स हैं जिसने इस स्पीकर की कुर्सी की जिस तरीके से तजहीर की, वो पाकिस्तान की और पार्लिमानी तारीख में कभी भी इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने आइन को तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, इसकी मिसाल भी मैं समझता हूं कि पार्लिमानी तारीख में, दुनिया की पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलेगी। हमें बहुत अफसोस है क्योंकि मैं डिप्टी स्पीकर रहा हूं और जिस तरीके से उसने इस कुर्सी को गलत इस्तेमाल किया और आइन को तोड़ा, मेरी ये अपील होगी आने वाले वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि इस किस्म के लोग जिन्होंने आइन को तोड़ा, उनके ऊपर जो है स्टेट को जो है आर्टिकल 6 अप्लाई करना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले लोग इस किस्म की जुर्रत नहीं कर सके। शुक्रिया।